दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है रेचेड। तो इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि कोई फिजिकल या मेंटल बीमारी के लिए हम सबसे ज़्यादा एक डॉक्टर या नर्स पर ही विश्वास करते हैं, लेकिन क्या होगा जब वही डॉक्टर या नर्स किसी डेमन से कम ना हो जो पेशेंट के साथ बहुत ही इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट करे। यही हम आज की कहानी में देखने वाले हैं। इस सीरीज़ की कहानी शुरू होती है 1947 के एक मेंटल असाइलम से, जहाँ पर पेशेंट का बहुत ही इनह्यूमन तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता था। एक दिन एक पेशेंट को एक बाथटब में रखा जाता है, जहाँ पर उसका पानी बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा था। पेशेंट की स्किन भी जल रही थी और वो नर्स से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे बाहर निकाल दें, लेकिन नर्स लूसी डॉक्टर के दिए हुए ऑर्डर के हिसाब से उसको 20 मिनट तक गर्म पानी में जलने देती है और फिर पेशेंट को तुरंत निकालकर बर्फ के पानी में रख दिया जाता है। पेशेंट की हालत मरने से भी बदतर हो गई थी, लेकिन लूसी के मुताबिक पेशेंट अब प्योर हो चुकी है। फिर डॉक्टर रिचर्ड अपने बाकी डॉक्टर और नर्स को लोबोटॉमी कैसे करते हैं ये सिखाते हैं। पहले एक पेशेंट के ब्रेन में स्क्रू घुसाया जाता है, फिर उसकी आंखों से एक स्क्रू ड्राइवर को घुसाकर उसके ब्रेन के एक हिस्से को चोट पहुंचाई जाती है, जिस वजह से जो पेशेंट अग्रेसिव बिहेव करते हैं वो शांत हो जाते हैं और उनका कोई भी रिएक्शन नहीं निकलता है। बाकी नर्स और डॉक्टर को ये प्रोसेस बहुत ही घिनौना लगता था, लेकिन एक नर्स सारा को ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा लगता था। सारा की अगर बात करें तो कुछ ही हफ्तों पहले सारा इस हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करने के लिए आई थी, लेकिन उसको डॉक्टर रिचर्ड जॉब पर नहीं रखते हैं। सारा को किसी भी कीमत पर इस हॉस्पिटल में जॉब करना थी, तो सारा इसीलिए एक नर्स की यूनिफॉर्म चुरा लेती है। वो एक पेशेंट को गलत मेडिसिन दे देती है और सारा खुद ही पेशेंट की उल्टी करवा कर उसको बचा लेती है। फिर उसी दिन उस हॉस्पिटल में गवर्नर आया था, जो कि सारा के काम को देखकर उसे बहुत ही इम्प्रेस था, जिस वजह से डॉक्टर रिचर्ड को सारा को काम पर रखना पड़ता है। लेकिन सारा को पता था कि गवर्नर के जाने के बाद में डॉक्टर रिचर्ड किसी न किसी बहाने से सारा को जॉब से निकाल देगा, तो इसीलिए सारा एक डिप्रेशन वाले पेशेंट को बताती है कि एक चाकू डॉक्टर रिचर्ड के केबिन में है। वो पेशेंट वैसे भी डिप्रेशन में था और अपनी जान लेना चाहता था, तो इसीलिए वो पेशेंट डॉक्टर रिचर्ड के केबिन में जाकर रिचर्ड के चाकू से खुद को मार डालता है। अब देखा जाए तो सीधे सीधे डॉक्टर रिचर्ड इसमें फंस जाएंगे और सारा ने भी ये देख लिया था, तो इसीलिए सारा डॉक्टर रिचर्ड को बोलती है कि वो उस लाश को संभाल लेगी, तो डॉक्टर इसकी टेंशन नहीं ले। सारा उस पेशेंट की डेड बॉडी को जला देती है और अब डॉक्टर रिचर्ड सारा को जॉब से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि सारा के पास में डॉक्टर रिचर्ड का एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ था। लेकिन सिर्फ एक जॉब के लिए सारा ये सब नहीं कर रही थी, इसमें सारा का कुछ और राज छुपा हुआ था। सारा का एक भाई था एडमंड, जो कि एक प्रीस्ट के मर्डर केस में फंसा हुआ था, और पब्लिक की डिमांड थी कि एडमंड को फांसी दे दी जाए, लेकिन इससे पहले ये देखा जाएगा कि एडमंड की मेंटल हालत क्या थी। इसीलिए सारा ने इस हॉस्पिटल में जॉब ले ली थी, ताकि अपने भाई को किसी भी तरह वो फांसी की सजा से बचा ले। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। एडमंड को मर्डर करते हुए जेकब नाम के एक आई विटनेस ने देख लिया था। सारा पहले जेकब के साथ दोस्ती करके उसका ट्रस्ट जीतती है, फिर जेकब को एक होटल में ले जाकर उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर वो उसको बेहोश कर देती है। फिर सारा जेकब के साथ में लोबोटॉमी ऑपरेशन करती है, जिसके बाद जेकब जिंदा तो था लेकिन एक लाश बनकर रह गया था। अब विटनेस की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन एडमंड को सजा से बचाने के लिए डॉक्टर रिचर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिसमें ऐसा लिखा हो कि एडमंड सच में मेंटल पेशेंट है। तो इसीलिए सारा के कहने पर एडमंड पागलों जैसा बिहेव करने लगता है, लेकिन डॉक्टर रिचर्ड भी चालाक थे। उनको पता था कि सजा से बचने के लिए एडमंड पागल होने का नाटक कर रहा है, तो इसीलिए डॉक्टर रिचर्ड को अपने हिसाब से काम करवाने के लिए सारा को डॉक्टर रिचर्ड के बड़े सीक्रेट का पता लगाना होगा। सारा को पता लगता है कि कुछ साल पहले कैमिलिया नाम की एक अमीर औरत ने अपने मेंटली डिजेबल बेटे जेक का इलाज करवाने को कहा था। जेक और डॉक्टर रिचर्ड एक दूसरे से बातें कर रहे थे, और जब डॉक्टर रिचर्ड का ध्यान कहीं और पर था तो जेक उनके ड्रिंक में नशे की दवा मिला देता है, लेकिन गलती से डॉक्टर रिचर्ड के साथ साथ जेक भी बेहोश हो जाता है। जेक को जब होश आता है तो उसके दोनों हाथ और दोनों पाँव डॉक्टर रिचर्ड ने नशे में काट देते, जिसके बाद डॉक्टर रिचर्ड वहाँ से भाग जाते हैं और कैमिलिया डॉक्टर रिचर्ड से बदला लेने के लिए जॉर्ज को डॉक्टर रिचर्ड को ढूंढने का काम देती है। इस इंसिडेंट्स पर सारा अपना प्लान बनाती है और जॉर्ज को डॉक्टर रिचर्ड के हॉस्पिटल का एड्रेस दे देती है, और डॉक्टर रिचर्ड को भी जॉर्ज कब आएगा ये बता देती है। उस रात जॉर्ज हॉस्पिटल आता है डॉक्टर को पकड़ने के लिए, लेकिन डॉक्टर जॉर्ज के सर पर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। जॉर्ज की जब आंखें खुलती है तो वो एक बाथटब में था, और डॉक्टर रिचर्ड बाथटब के पानी को गर्म कर देते हैं और जॉर्ज उस गर्म पानी में जलने लगता है। फिर बहुत कोशिश करने के बाद में जॉर्ज किसी तरह खुद को उस बाथटब से निकाल लेता है, लेकिन तब तक जॉर्ज की स्किन बुरी तरीके से जल चुकी थी। डॉक्टर रिचर्ड को मारने के लिए जॉर्ज बाहर आता है,
लेकिन जॉर्ज को खतरा मानकर सिक्योरिटी उसको गोली मार देती है और जॉर्ज की वहीं पर मौत हो जाती है। डॉक्टर रिचर्ड के कहने पर सारा जॉर्ज की डेड बॉडी को जला देती है। अब ये मर्डर छुपाने के लिए डॉक्टर रिचर्ड एडमंड को उस सर्टिफिकेट को देने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में एक पार्टी होने वाली थी और डॉक्टर रिचर्ड के कहे मुताबिक सारा एडमंड को पार्टी में पागलों की तरह बिहेव करने को कहती है ताकि सभी को लगे कि एडमंड सच में पागल है। लेकिन एडमंड का कुछ और ही प्लान था। हॉस्पिटल की एक नर्स केट के साथ में एडमंड रिलेशनशिप में था और दोनों यहाँ से भागकर अपनी नई जिंदगी को शुरू करना चाहते थे। इसीलिए अगले दिन पार्टी में एडमंड सिक्योरिटी गार्ड को मार डालता है और उसी गन से केट सबको डराती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रात के समय दोनों एक अपेंडेंट घर में रुकते हैं, लेकिन अगले दिन पुलिस वहाँ पर आ चुकी थी। केट पुलिस पर गोली चलाने वाली थी, लेकिन पुलिस की गोली से केट की ही मौत हो जाती है और एडमंड को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब पब्लिक डिमांड की वजह से गवर्नर डिसाइड करते हैं कि एडमंड पागल हो या ना हो, उसे इलेक्ट्रिक्यूटेड करके मौत की सजा दी जाएगी। एडमंड की सजा कैसी होगी ये पब्लिक को दिखाने के लिए गवर्नर पहले एक दूसरे कैदी को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर उसको इलेक्ट्रिक शॉक देता है और इलेक्ट्रिक शॉक इतना ज़्यादा भयानक था कि उस क्रिमिनल की बॉडी पर आग लग जाती है और वहीं पर मारा जाता है। और कुछ ही दिनों के बाद में एडमंड को भी ऐसे ही इलेक्ट्रिक्यूशन की सजा दी जाएगी। सारा गवर्नर को रिक्वेस्ट करती है कि वो एडमंड को पेनलेस मौत दें, लेकिन गवर्नर सारा की कोई भी बात नहीं मानता है। तो इसीलिए सारा खुद एडमंड को मेडिसिन की मदद से पेनलेस मौत देने की सोचती है। लेकिन तभी एक स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाली पेशेंट जिसका नाम ओलिविया था, उसकी पर्सनैलिटी खुद को डॉक्टर मानने लगती है और कहीं से गन लेकर एडमंड को हॉस्पिटल से छोड़ देने की डिमांड करती है। गन को देखकर सभी डर जाते हैं और लूसी एडमंड की सेल को खोल देती है। फिर एडमंड गन लेकर लूसी से अपनी सिस्टर के बारे में पूछता है कि उसकी सिस्टर ने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। लूसी उसको बताती है कि सारा खुद उसको पेनलेस मौत देने की तैयारी कर रही है। यह सुनकर एडमंड को बहुत बुरा लगता है कि उसकी बहन उसको मारना चाहती है और एडमंड ओलिविया के साथ कार में वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में सारा और एडमंड एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन एडमंड अपनी सिस्टर से बातें नहीं करता है। कहानी फिर कुछ सालों के बाद मेक्सिको में शुरू होती है, जहाँ पर सारा कुछ लोगों के साथ में एक रेस्टोरेंट में लंच कर रही थी। तभी सारा अपने दोस्तों से एक न्यूज़ सुनती है कि एक नर्स ने 7 लोगों को मार दिया है और उसी टाइम सारा के लिए एडमंड का एक फ़ोन आता है और एडमंड जल्दी उससे मिलने वाला था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, इस कहानी में हमने एक ऐसी नर्स को देखा जो कि अपने भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हॉस्पिटल में जॉब पाने के लिए सारा ने एक सुसाइड करवा दिया और ऐसा इंसिडेंट पैदा किया ताकि डॉक्टर रिचर्ड पर ही सुसाइड का शक हो जाए और डॉक्टर रिचर्ड उसको जॉब से न निकाल पाए। हॉस्पिटल में सारा ने लोबोटोमी ऑपरेशन सीखा था, जिसके बाद सारा ने विटनेस पर लोबोटोमी ऑपरेशन करके उसको जिंदा लाश बना दिया ताकि वो एडमंड के खिलाफ गवाही न दे पाए। सारा ने कोशिश तो बहुत की कि अपने भाई को मौत की सजा से बचा ले, लेकिन एडमंड के दूसरे प्लान के कारण उसको और भी ज्यादा पेनफुल सजा मिली और इसीलिए सारा अपने भाई एडमंड को खुद पेनलेस मौत देने वाली थी, क्योंकि वो भी किसी तरह एडमंड को बचा नहीं पा रही थी। लेकिन किसी तरह एडमंड बच के निकल गया, पर गलत फहमी के कारण वो अपनी सिस्टर से नफरत करने लगा। उसको लगा कि सारा उसको मारना चाहती है और सारा ने उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी। मूवी के आखिरी सीन में आपने देखा होगा कि किसी नर्स की न्यूज़ आई है जो कि 7 मर्डर कर चुकी है और उसी टाइम एडमंड भी सारा को कॉल करता है, मतलब कि एडमंड सारा से बदला ले रहा था और उसी ने सारे की बात न्यूज़ में डाली होगी।